जीव फुद्दू में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास कंप्यूटर शिक्षा को सरल हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाना है, जिसमें आपका सहयोग भी जरूरी है। कंप्यूटर शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आधुनिक युग एवं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। आधुनिक युग, इसमें हम देखेंगे एटनासॉफ, बैरी कंप्यूटर और जॉर्ज बुले के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर अस्तित्व में आए और कहाँ कहाँ इनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। कौन से महान पुरुष थे और वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को अस्तित्व दिया और सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया। सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिक युग की। आधुनिक युग, पिछले 60 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की नई नई तकनीकों का विकास बड़ी तेजी से हुआ है। इनका विकास इतनी तेजी के साथ हुआ कि 5 साल पुराना मॉडल ऐतिहासिक वस्तु बनकर रह गया है। आधुनिक युग में सबसे पहले हम बात करेंगे एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर की। एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर, एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर जो कि आपको बाएं तरफ चित्र में दिख रहा है, 1942 तक पूरा किया गया। एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर, जिसको एबीसी भी कहा जाता है, इसका निर्माण और परीक्षण आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में किया गया। और दाईं तरफ चित्र में गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री जॉन एटनासॉफ को आप देख सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट में स्थित है और इसकी स्थापना 1858 में हुई थी। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, इसमें बाई तरफ है काफी पुराना फोटो और दूसरी तरफ है अभी हाल का फोटो। यह है आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री जॉन एटनासॉफ, जो कि दाहिनी तरफ फोटो में दिख रहे हैं, इनका जीवन काल रहा है 1903 से 1995 तक। दूसरी तरफ है क्लिफर्ड बैरी, जिनका जीवन काल रहा है 1918 से 1963 तक। जैसा कि फोटो में एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर एक विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर है ऐसा दिख रहा है, जो कि रैखिक बीजीय समीकरणों के सिस्टम को हल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका प्रोग्राम नहीं बन पाया। एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर, जिसको पीसीबी भी कहा जाता है, पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं जॉर्ज बुले के बारे में। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, ये जॉर्ज बुले जी का है। इनका जन्म 2 नवंबर 1815 में लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 8 दिसंबर 1864 को। इनको बीजगणित तर्क, जो अब कहा जाता है बुलियन बीजगणित, ये डिजिटल कंप्यूटर सर्किट के डिजाइन के लिए बुनियादी रहा है। अब हम सीधे चल रहे हैं देखने कंप्यूटर की पीढ़ियां, लेकिन इस वीडियो में हम केवल कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। आज से लगभग 70 से 80 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्य क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित था। वाणिज्य कंप्यूटर के विकास क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकों के आधार पर पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। इस विकास क्रम में कंप्यूटर की कार्य करने की गति, संग्रह क्षमता और नए अनुप्रयोग प्रोग्रामों में वृद्धि हुई, जबकि इसके आकार और कीमत में बहुत कमी भी आई। इसके उत्पाद में भी तेजी आई और अब यह आसानी से उपलब्ध है। कंप्यूटर के अब तक के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। लेकिन आज हम बात करेंगे पहली पीढ़ी की। पहली पीढ़ी का समय काल सन 1946 से 1954 तक माना जाता है। और प्रथम पीढ़ी में सबसे महत्वपूर्ण खोज किसे माना जाता है, वह है वैक्यूम ट्यूब, जो कि आपको चित्र में दाहिनी तरफ दिख रहा है। इसका आकार बल्ब जैसा होता था
और बाईं तरफ चित्र में आपको इस वैक्यूम ट्यूब को बनाने वाले वैज्ञानिक दिख रहे हैं जिनका नाम है ली डी फॉरेस्ट, और इन्होंने 1906 में वैक्यूम ट्यूब की सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बहुत ही, अतः इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था। इनकी कार्य करने की गति धीमी थी। इनमें इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम उपयोग में लाया जाता था। अब हम चित्रों में देखेंगे कि पंच कार्ड और चुंबकीय ड्रम कैसे दिखते थे। जैसा कि आप आजकल यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए कई डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि, लेकिन उस समय में क्या स्थिति थी इनपुट और आउटपुट उपकरणों की, उसे हम देखेंगे। आपको बाईं तरफ चित्र में दिख रहा है एक पंच कार्ड का उदाहरण, और वहीं दाहिनी तरफ पंच कार्ड जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाया हुआ है। इन चित्रों को देख के आपको ये एहसास हो ही गया होगा कि प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट का माध्यम कितना जटिल रहा होगा। अब आपको दिख रहा है चुंबकीय ड्रम का चित्र। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक मेमोरी के रूप में इसी का प्रयोग होता था। प्रथम पीढ़ी के मशीनों में मशीनों की भाषा तथा असेंबली भाषा प्रचलित थी। इनका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा वाणिज्यिक कार्यों जैसे वेतन बिल बनाना, बिल तैयार करना, लेखांकन करना आदि तक सीमित था। इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर जिनकी हम विस्तार में बात करने जा रहे हैं, पहला है ADAC मींस AVIDAC, एर्गोने का पहला डिजिटल कंप्यूटर जिस पर जनवरी 1953 में ऑपरेशन शुरू किया गया। यह $2.5 लाख की लागत से बनाया गया था, और बाईं तरफ जो चित्र आपको दिख रहा है जिसमें एक महिला मशीन में कुछ कर रही है, यह अग्रणी एरागोन कंप्यूटर है जो कि वैज्ञानिक हॉल जीन एफ में रखा है। और चित्र में दूसरी तरफ आपको दिख रहा है एनीएक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का प्रयोग 1943 में शुरू हुआ था, और यह पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो 1946 में जॉन मैकले और जे प्रेस्पर एकर्ट ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूएसए में बनाया था। पूरा मशीन सार्वजनिक करने के लिए 14 फरवरी 1946 की शाम को घोषणा की गई थी, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर यानी कि एनीएक नामित किया गया था। एनीएक में 17,468 वैक्यूम ट्यूब, 7200 क्रिस्टल डायोड, 1500 रिले, 17,000 प्रतिरोधी रजिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स और लगभग 5 लाख हैंड सोल्डर्ड से जोड़ा गया था। इस कंप्यूटर का वजन लगभग 30 टन से अधिक था। ये 250 किलो वाट पावर पर चलता था। इनपुट के लिए इसमें IBM कार्ड रीडर और आउटपुट के लिए IBM कार्ड पंच का इस्तेमाल होता था। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक वाल्व यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग कर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। वैक्यूम ट्यूब को ली डी फॉरेस्ट ने 1906 में तैयार किया था, जैसा हमने सबसे पहले प्रथम पीढ़ी की बात करते समय देखा था। चूंकि वैक्यूम ट्यूब की साइज काफी ज्यादा होने की वजह से कंप्यूटर की साइज और कीमत भी ज्यादा थी, और वैक्यूम ट्यूब में लगने वाले पावर भी ज्यादा थी। यहां हमें चित्र में बाईं तरफ दिख रहा है जॉन मैकली और दाहिनी तरफ दिख रहे हैं जे प्रेस्पर एकर्ट जो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, और ये दृश्य है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का। अब आप देख रहे हैं एडवैक यानी कि EDVAC कंप्यूटर। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिजिट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि 1950 में बनाया गया था। इस कंप्यूटर में काफी इम्प्रूवमेंट या बदलाव किए गए थे। एडवेक का इस्तेमाल प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए होने लगा।
एडवेक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता था, इसलिए एडीवेक काफी फास्ट था एनीवेक कंप्यूटर से। एडवेक 6000 वैक्यूम ट्यूब्स, 12000 डायोड और 65 किलोवाट पावर कंज्यूम करता था। ये फर्श से 490 फुट जगह घेरता था और इसकी लागत लगभग 17,300 यूरो थी और इसका वजन लगभग 7850 किलो था। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ चित्र उन उपकरणों के जिनका प्रयोग प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने में किया गया था। अब हम पहले देख लेते हैं। पहला चित्र है वैक्यूम ट्यूब का, दूसरा है क्रिस्टल डायोड्स का, तीसरा है रिलीज का। इसके बाद यहाँ पे पहला चित्र दिख रहा है रजिस्टर का, दूसरा है कैपेसिटर का और तीसरा है हैंड हेल्ड सोल्डिंग का। अब हम चल रहे हैं आगे और देखते हैं, यह है आईबीएम कार्ड रीडर और दूसरी तरफ है आईबीएम कार्ड पंच। इन सभी उपकरणों का प्रयोग प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है। अब हम देख रहे हैं एडजैक कंप्यूटर, जिसे हम कहते हैं EDSAC, जिसे MB विल्कस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1949 में बनाया था और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिलेज स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम देखने जा रहे हैं MV विल्कस को। यह है MV विल्कस, दाईं तरफ कुछ हालिया की फोटो है और बाईं तरफ आपको काफी पुरानी फोटो दिख रही है MV विल्कस की, और यह है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक दृश्य, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब। उस समय दो अलग अलग समूह दो अलग अलग जगह पर एक ही प्रकार के कंप्यूटर पर काम कर रहा था, जो कि था स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एडवेक यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल अर्थमेटिक कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडजैक यानी कि EDSAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे काम हो रहा था। लेकिन एडजैक ने सबसे पहले बाजी मारी स्टोरेज प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बनाने में और एडजैक पहला कंप्यूटर बना प्रोग्राम स्टोर करने वाला। अब हम बात करने जा रहे हैं उस समय के एक मशहूर कंप्यूटर के बारे में, Mark I। IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर मीन्स ASCC ही Mark I कहलाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा Mark I नामक एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था, जिसे Mark I कहा गया, और ये मशीन सफलतापूर्वक अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस की लंबी संख्या को हल करने के लिए पहली मशीन थी। Mark I पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। 1944 में ये हार्वर्ड और IBM के बीच एक साझेदारी के रूप में बनाया गया था। Mark I कंप्यूटर अमेरिका में बनाया गया पहला डिजिटल प्रोग्राम कंप्यूटर था, लेकिन ये एक पूरे रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। Mark I में स्विचेस, रिलेज, रोटेटिंग शिफ्ट और क्लचेस का इस्तेमाल करके निर्माण किया गया था। Mark I 500 मील की दूरी के तार से बना 5 टन वजन का, 8 फुट लंबा और 51 फुट चौड़ा कंप्यूटर था और एक 5 हॉर्स पावर बिजली की मोटर से चलता था। अब आप देख रहे हैं कि दो वैज्ञानिक Mark I पर काम कर रहे हैं और यह है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक दृश्य। अब हम बात करेंगे यूनिवेक एक कंप्यूटर की। यूनिवेक एक कंप्यूटर जे प्रिस्पर एकर्ड और जॉन मैकली ने 1951 में यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर सेटअप का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर बनाया था। इस कंप्यूटर का डिजाइन प्रिंसिपल एनिएक से लिया गया था। ये कंप्यूटर 25x50 फीट का था, जो 56,000 ट्यूब, 18,000 क्रिस्टल डायोड और 3,000 रिलेज को जोड़कर बनाया गया था और इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी 1,000 वर्ड या कहें तो
12,000 कैरेक्टर्स की थी। इस कंप्यूटर में मर्क्यूरी डिले लाइन, मैग्नेटिक टेप और टाइपराइटर आउटपुट का इस्तेमाल किया गया था। ये कंप्यूटर 120 किलोवाट के पावर इस्तेमाल करता था और ये कंप्यूटर आकार में बड़े और धीमी गति से डेटा पर प्रोसेसिंग करते थे। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट यानी कि गर्मी पैदा करते थे। ये कंप्यूटर की कंप्यूटिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कम थी और कंप्यूटर में मशीन लेवल लैंग्वेज का उपयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। ये कंप्यूटर बहुत महंगे थे क्योंकि बहुत बड़े हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा डिवाइसेस का प्रयोग करते थे। आप इस फोटो में हम देख रहे हैं कि बाईं तरफ जॉन मैकले और दाहिनी तरफ है जे प्रेस्पर एकर्ड। और यहाँ पर है कुछ उपकरण जिनका प्रयोग इस कंप्यूटर को बनाने में किया गया था। पहला है मर्क्यूरी डिले लाइन और दूसरा जो कि 1957 में बनाया गया था मैग्नेटिक टेप। आगे है प्रथम पीढ़ी का ही कंप्यूटर जिसका नाम है CSIRAC मीन्स काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कंप्यूटर। ये कंप्यूटर ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला कंप्यूटर है और इसका पूरा नाम काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। ये कंप्यूटर 1926 से 1949 के मध्य कार्य में लिया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ये कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे और जो कि अस्तित्व में आए और जिन्होंने अपना इतिहास बनाया। इसके आगे दूसरी पीढ़ी की बात हम पार्ट चार में यानी कि अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई भी सवाल है या आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी तो प्लीज आप कमेंट में हमें सजेस्ट करिए कि हमें क्या ठीक करने की जरूरत है या हम क्या करें कि ये वीडियो जो कि कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दे रहा है इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए।